9 दिसंबर 1825 को राव तुलाराम का जन्म हरियाणा के रेवाड़ी में हुआ। वो 1857 के प्रथम भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के प्रमुख नेताओं में से एक थे। उन्हें हरियाणा में राजनायक माना जाता है। स्वतंत्रता संग्राम के सैनिकों की सैन्य बल, धन और युद्ध सामग्री से सहायता प्रदान करने का श्रेय राव तुलाराम को जाता है। अंग्रेजों से भारत को मुक्त कराने के उद्देश्य से एक युद्ध लड़ने के लिए मदद लेने के लिए उन्होंने भारत छोड़ा और ईरान और अफगानिस्तान के शासकों से मुलाकात की। 1857 की क्रांति में राव तुलाराम ने खुद को स्वतंत्र घोषित करते हुए राजा की उपाधि धारण कर ली थी। उन्होंने नसीबपुर नारनौल के मैदान में अंग्रेजों से युद्ध किया, जिसमें उनके 5000 से अधिक क्रांतिकारी सैनिक मारे गए थे। उन्होंने दिल्ली के क्रांतिकारियों को भी सहयोग दिया और 16 नवंबर 1857 को स्वयं ब्रिटिश सेना से नसीबपुर नारनौल में युद्ध किया और ब्रिटिश सेना को कड़ी टक्कर दी तथा ब्रिटिश सेना के कमांडर जेरार्ड और कप्तान वालिस को मौत के घाट उतार दिया, लेकिन अंत में उनके सभी क्रांतिकारी साथी मारे गए। राव तुलाराम को घायल अवस्था में युद्ध क्षेत्र से हटना पड़ा। पराजित होते हुए भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और आगे की लड़ाई की रणनीति तय करने के लिए वो तात्या टोपे से मिलने गए, लेकिन 1862 में तात्या टोपे को बंदी बना लिया गया और उन्हें सैनिक सहायता मांगने के लिए ईरान और अफगानिस्तान जाना पड़ा, जहां अल्पायु में उनकी मृत्यु हो गई। 23 सितंबर 2001 को भारत सरकार ने महाराजा राव तुलाराम की स्मृति में डाक टिकट जारी किया है।